वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको दो बड़ी भर्तियों के बारे में बताऊंगा और दोनों भर्तियां राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आई है। एक आई है हल्द्वानी में, दूसरी आई है देहरादून में। तो पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन होंगी, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आपको करना है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में जो है अपलोड करके रखा है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी की ओर से अतिथि व्याख्याताओं की ये पोस्ट निकली है, जहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी द्वारा पूर्ण रूप से अस्थायी आधार पर शिल्प अनुदेशक, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर की ये जॉब निकली हुई है। यहां पर स्पेशली ये टीचिंग से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहां पर पदों की संख्या और किस किस पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं ड्राफ्टमैन के लिए एक, फिटर के लिए दो, मशीनिस्ट के लिए तीन, एक टर्नर के लिए एक और रोडा के लिए यहां पर आप देख सकते हैं एक एक यहां पर पोस्ट है निकली। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं नवीनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यता के अनुसार एक वर्ष के अनुभव सहित इंजीनियरिंग की संबंधित ब्रांच में डिग्री या दो वर्ष के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग की संबंधित ब्रांच से आपको डिप्लोमा तीन वर्ष का यहां पर होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर व्यवसाय में आईटीआई यहां पर प्रमाण पत्र भी यहां पर होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर उपरोक्त तीन योग्यताओं में से किसी भी एक योग्यता के साथ साथ अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि एनसीआईसी और सीआईटीएस होना यहां पर अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए यानी कि जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां से आप इसको विजिट कर सकते हो और तीन माह के लिए है। और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो आप देख सकते हैं 4 नवंबर 2022 है। और उसके अलावा लिखित परीक्षा वो कौशल यानी कि प्रैक्टिकल जो होंगे 14 से लेकर 15 नवंबर 2022 को जो ये हल्द्वानी है वहाँ पर यहाँ पर होंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने जो है पूरी डिटेल दे के रखी है क्या क्या आपको यहाँ पर करना होगा, कितने घंटे कार्य करने होंगे, क्या आपको मानदेय दिया जाएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति घंटे की दर से माह में अधिकतम 30,000 रुपये, अन्य कोई भत्ते दे यहाँ पर नहीं होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं सारी जो है डिटेल्स दे के रखी हैं, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही आपके हल्द्वानी की बात। अब बात करते हैं देहरादून में कौन कौन से इंस्ट्रक्टर की जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी के बाद जो है देहरादून में भी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की ओर से अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति आई है। वहाँ पर अलग अलग थी, यहाँ पर ज़्यादा पोस्टें थी और अलग अलग यहाँ पर थे, ठीक है। अब यहाँ पर उससे ज़्यादा पोस्टें हैं लेकिन ट्रेड्स जो है यहाँ पर अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर तीन पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियंस के लिए दो और कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 2, 5, 2, 7 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन वही सेम एडिजिट है जो मैंने आपको हल्द्वानी वाले में वो बताए। और सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर इंटरव्यू आई थिंक 14th और 15th नवंबर को था, यहाँ पर 10 और 11 है, यानी आप चाहें तो दोनों जगह जो है अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट सभी जगह यहाँ पर सेम है। उसके अलावा सभी जितने भी आईटीआई कौशल विकास केंद्र हैं सभी में ये भर्तियाँ बैक टू बैक आएंगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर करें। उसके अलावा पूरी यानी कि दोनों के दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।